आज हम आए हैं ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग करने के लिए। ब्रह्मगिरी पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं पे गौतम ऋषि ने 12 साल तपस्या की थी। यहीं पे भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य किया था और अपनी जटाओं को पटका था। ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर तालुका में आता है और ये नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक CHS बस स्टेशन से यहाँ के लिए हर आधे घंटे पे कोई ना कोई बसें आपको मिल सकती है। दिक्की रेलवे स्टेशन भी नासिक ही है। आप यहाँ देश के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे और इस ट्रैक को पूरा करने के बाद जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो हमें दर्शन होंगे माँ गोदावरी का, जो उद्गम हो रहा है जहाँ से मंदिर के, और दर्शन होंगे भगवान जटा शिव के। और यहाँ से हमारी ब्रह्मगिरी ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए सामने आपको एक मैप दिख रहा होगा। ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप जब भी जाए तो इस मैप का फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर लीजिए। इससे आपको आगे ट्रैक करने में आसानी होगी, कौन सा मंदिर कहाँ है आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप। यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर हेड आगे जाने के लिए। और ये देखिए क्या नज़ारा है, रास्ते में जगह जगह पे हमें इस तरह के वाटरफॉल्स मिल रहे थे। ऐसा एक वाटरफॉल जैसा मिला है। इन्हीं नज़ारों के साथ हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। हम आगे बढ़ते गए, सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी थी लेकिन लंबी थी। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको 3 कदम 2 कदम 3 कदम कम से कम चलना पड़ रहा था। अगल बगल में रास्ते में हमें इस तरह से छोटे छोटे अनगिनत झरने दिखाई दे रहे थे और हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। ये देखिए सीढ़ियों पे से पानी बह रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। रास्ते में इस तरह के आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आप शरबत, पानी, चाय, कॉफ़ी ले सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन है, हमारे अलावा यहाँ इक्के दुक्के लोग ही हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। हम जिस ग्रुप के साथ आए थे अपने ऑफिस ग्रुप के साथ, वो भी काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है ब्रह्मगिरी पर्वत का मानसून में, शानदार। बस बाकी ओवरऑल ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं है, कर सकते हैं। कुछ अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है नेचर यहाँ पे है और नेचर के साथ सिर्फ मैं अकेला हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है। वीकेंड में अगर आप आएंगे तो शायद आपको थोड़ा यहाँ पे भीड़ मिलेगा, बट आज फ्राइडे है, अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मुझे एक नज़ारा दिखाई दिया है, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है वो दूर पहाड़ पे, देखिए वाटरफॉल गिर रहा है और हमें वहाँ जाना है उस पहाड़ के पीक पे। अभी कम से कम और 45 मिनट लगेगा हमें ऊपर पहुँचने में। मिल गई मेरी ग्रुप, मिल गई, आगे खड़ी है। क्या शानदार एक वाटरफॉल गिर रहा है ऊपर से और मैं वो देख रहा हूँ। अभी क्या चलेगा रे, टाइम ही टाइम है अपने पास। तो ग्रुप हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। तो ये खड़ी सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मंकीज बैठे हुए। मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि ये मंकी लोगों का सामान छीन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बंदर जो है हाथ में जो हम फूल लेके जा रहे थे वो हमसे उसने छीन लिया और खा रहा है। आगे जाके देखिए ये बंदर जो है एंथनी के पॉकेट को चेक कर रहा है, मतलब ये कितने ट्रेंड है, ये रोज़ यही काम करते हैं। देखिए मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था आगे बढ़ने में कि कहीं ये मेरे हाथ से मेरा कैमरा ना छीन ले। यहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़ारा मिला, एक काफ़ी ऊँचाई से एक वाटरफॉल नीचे बह रहा था और हमने इसे देखा। हम यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट वेट की, इस नज़ारे को एंजॉय किया।
अब यहाँ से फिर से ऐसी खड़ी चढ़ाई चालू हो गई है। कुछ सीढ़ियाँ हैं लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई है, अब चढ़ सकते हैं। और ये कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है और ये यहाँ जाएगी आगे। और यहाँ से देखिए त्र्यंबकेश्वर जो तालुका है ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी कठिन हो गई थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी और सीढ़ियों पे पानी बह रहा था। काफ़ी संभाल कर रेलिंग का सपोर्ट लेके हम चल रहे थे आगे आगे। हर थोड़े दूर पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा था हर 20-25 सीढ़ी चढ़ने के बाद, और ऊपर से काफ़ी तेज़ बारिश थी। इसे बोलते नेचर। ये पानी है ना मेरे जबान पे भी जा रहा है और मुझे इसका टेस्ट एकदम मीठा मीठा लग रहा है। और फिर जाके हम ऊपर पहुँचे, ऊपर से देखिए और हम नज़ारा एकदम अच्छा दिख रहा है। बाहर पूरा फॉग ही फॉग था और हम एकदम पहाड़ के किनारे पे चल रहे थे, बट ट्रेलिंग थी, एकदम सेफ है यहाँ पे जाना। यहाँ पे जाना ऐसा कोई वो रिस्की नहीं है, आप जा सकते हैं, अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे। और ये सामने पहला दरवाज़ा आ गया है जिसे हम पार कर रहे हैं। आगे जाके शायद ऐसा एक और दरवाज़ा आएगा। और ये शायद हम पहले दरवाजे पे आ गए। और इसी तरीके से चलते चलते हमने ये सीढ़ियों को पार कर लिया। हम अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर आ गए हैं, बट यहाँ से भी हमें कम से कम अभी 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर और चलना है, बट सीढ़ियाँ यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। और आप देख सकते हैं पानी कितना फोर्स में बह रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं हमें चढ़ते हुए, और अभी मैंने किसी को पूछा, वो बोल रहे हैं कि अभी 1.5-2 घंटे की और चढ़ाई है। बट अभी जैसा पीछे जो एकदम हाइटेस्ट स्टेप था वैसा नहीं है, नॉर्मल स्टेप्स है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी लग रहा है मेरे को, पानी का फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है पियो शरबत चढ़ो पर्वत, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी शरबत पी लेता हूँ क्योंकि ये पर्वत तो चढ़ना ही है, तो फिर देखते हैं कैसा है शरबत। और इस तरीके से हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। रास्ते में इस तरीके के छोटे छोटे मंदिर हमें मिल रहे थे। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं हवा बढ़ता जा रहा है। क्या आपको पता है कि गोदावरी नदी का यहाँ उद्गम कैसे हुआ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि गौतम ऋषि के खेत में एक बार गणेश जी ने गाय का रूप कर खेत में लगे सारे धान को खा लिया। यह सब नारद मुनि देख रहे थे, उन्होंने ये बात गौतम ऋषि को जाके बताई। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर उस गौ की हत्या कर दी। बाद में पछतावा हुआ, फिर वो शिव जी के पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे इस गौ हत्या के पाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। शिव जी ने बताया कि आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाइए और 12 साल तपस्या करिए। तब उन्होंने यहाँ पर 12 साल तपस्या की और तपस्या करने के बाद यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी नदी का प्रवाह इतना धीमा था कि वो नीचे तक गांव तक जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने फिर से शिवजी आराधना की, शिवजी को बुलाया, शिवजी से आग्रह किया कि जगत के कल्याण के लिए गोदावरी नदी का प्रवाह आप नीचे तक पहुँचाइए। शिवजी ने उन गोदावरी नदी को अपनी जटाओं में लेके तांडव किया और तांडव करने के बाद अपनी जटाओं को पटका
जो कि हम आपको आगे जटाशिव मंदिर में दिखाएंगे, वहाँ पे इसकी निशान आज भी मौजूद है। और उसके बाद प्रवाह काफ़ी बढ़ गया और गोदावरी नदी नीचे गांवों तक पहुँच गई, क्योंकि गौतम ऋषि ने इसे प्रकट करवाया था, इसीलिए इसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। मंदिर इधर है कि इधर है? ये बाजू है। अच्छा है कि मैंने शूज पहना हुआ है, थोड़ा रेड मिल रहा है। यहाँ से कुछ नीचे जाने का रास्ता दिखा रहा है, इस आप गिरने से बचा। अच्छा है कि रेलिंग का सपोर्ट लेके चलो, वरना अगर यहाँ एक बार अगर हाथ पांव टूट गया ना, चोट लग गई तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। जो जितनी भी चोट लगी होगी आपको उसी कंडीशन में नीचे तक जाना पड़ेगा, तभी आपको फर्स्ट एड मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। पॉइंट पे आने के बाद हमें रास्ता आगे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था, क्योंकि इतना फॉग था, इतना कोहरा था कि हमें 20 मीटर के आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था। रास्ते बने हुए थे, हम उस पर चलते गए। यहाँ ऊपर आके ना, यहाँ से फिर नीचे आना पड़ता है यहाँ पे आके, क्योंकि कुछ भी एकदम फॉग है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने मेरी टीम को कॉल किया, उनको पूछा तो उन्होंने बताया शायद अगर ये मौसम साफ रहेगा तो आपको यहाँ से मंदिर दिखाई भी दे देगा, बट मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा था। इस जगह पर ना बारिश के मौसम में बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, पाँव स्लिप होने का डर है, क्योंकि कंटिन्यू मानसून 2-3 महीने से चल रहा है और ये पत्थरों के ऊपर काई जमा हुआ है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कुछ भी होने की चांसेस है, आप गिर सकते हैं अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो। अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आने के लिए। अरे क्या विजय हो गया क्या इतना? आ गया मास्टर। कितना नीचे इधर से? 10 मिनट बस, 10 मिनट से ही कम। कौन सा कौन कौन सा मंदिर है? एक ही मंदिर पे, मुख्य मंदिर बस। कौन सा ये? उधर लंबा है, लंबा आगे उधर नहीं जाएंगे, यहाँ से रिटर्न नीचे। चलो ठीक है, मैं भी करके आता हूँ। अभी है ना, हमने इतनी चढ़ाई की, उसके बाद उतरना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर जब रिटर्न आएंगे ना, और यही रास्ते पे जब हम चढ़ेंगे ना, फिर हालत ख़राब होगी।
ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें एक प्रसाद की दुकान दिखाई दे रही है, जस्ट मंदिर इसके पीछे ही दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप गोदावरी जी का जल लेने के लिए आप कमंडल या फिर बॉटल ले सकते हैं, खाली बॉटल, इसमें आप यहाँ से जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं और आप आगे बढ़िए। इसके बाद हमने गोदावरी जी के दर्शन किए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसका पार्ट टू जो है मैं कल रिलीज़ करूँगा और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन इस चैनल के आपको मिलते रहें। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं आपके इसी ब्लॉग के पार्ट टू वाले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।